अभी जो हम यहाँ की तस्वीर देख रहे थे कि यहाँ से लेकर इस सिरे से उस सिरे तक, लाल किले के इस छोर से उस छोर तक हमको पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तस्वीर यही है राजघाट की। आईटीओ पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। हालांकि सिविल लाइन्स में और कई जगहों पर पानी बिल्कुल कम हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार पानी यमुना का जल स्तर भी घट रहा है। हालांकि खतरे के निशान के ऊपर है, मगर समस्याएं बढ़ी हुई हैं। हमारे साथ में वरुण जैन जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता यमुना बाजार से। वरुण, आपसे जब भी आप मेरे साथ जुड़ते हैं मेरी उत्सुकता यही होती है, और मुझे लगता है मेरी क्या, दिल्ली के लोग यही जानना चाहते हैं वरुण, कि आप जिस लोकेशन पर कल थे, जिस लोकेशन पर आज आप हैं, कल से आज तक का फर्क बताइए, क्योंकि जो लोग इसको सुनेंगे वो ये समझ पाएंगे कि वो घर से कब निकले अपने। वरुण, देखिए बिल्कुल कल और आज की स्थिति में काफ़ी फर्क आया है। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखा दूं, जहां पर आपको यहां पर पानी की शुरुआत नज़र आ रही है, लाल किले की बैक साइड है, ये वो मेन इलाका है जो कि आगे बस अड्डे की तरफ जाता है। इस पानी का जो ये दायरा है, अगर मेरे कैमरामैन कैमरे को पीछे घुमाएं, तो ये कल जो पानी का लेवल है, जहाँ पर आपको वो जो सामने ट्रक नज़र आ रहे हैं, मिनी ट्रक, यहाँ पर था। यानी कि करीब 200 मीटर सड़क अब से पानी जो है पूरी तरीके से हट चुका है। अब मैं अब आपको आगे की बात दिखाऊं, तो क्योंकि आगे अंडरपास है, हनुमान मंदिर आता है, मरकट वाले बाबा आते हैं, और उसके आगे बस अड्डा आता है, और आगे फिर ये बाईपास की तरफ रास्ता चला जाता है। तो बेहद मेन रास्ता है, लेकिन अभी भी अंडरपास पर पानी भरा हुआ है। 8 से 10 फीट का पानी है, जिसे सिर्फ पंप के द्वारा ही निकाला जा सकता है। साथ ही अभिषेक, ये पानी धीरे धीरे करके 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ से प्रशासन निकाल लेगा, क्योंकि कल भी पंप लगाए थे। लेकिन अगर मेरे कैमरामैन एक दूसरी तस्वीर भी दिखाए कि सामने इस पानी के अंदर इतने दिनों के अंदर क्या हालात हुए, सड़ान मार रहा है, आपको सामने गाय मरी हुई नजर आ जाएगी, आपको यहाँ पर इस पानी में कुत्ते मरे हुए नजर आ जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए, हर दिन के साथ यहाँ पर स्थिति कितनी भयावह हो रही है, क्योंकि पानी तो उतर जाएगा, सूख जाएगा, लेकिन उसके बाद की जो बीमारियां हैं जो यहाँ से फैलेगी, वो लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं अब सुध लेनी पड़ेगी। एक बार बाढ़ का नुकसान तो झेल लिया, लेकिन दिल्ली अब उस महामारी को नहीं झेल पाएगी जो यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से उठ सकती है। तो ऐसे में अब प्रशासन को बहुत अलर्ट होना होगा, और जल्द से जल्द पंपिंग करके इस पानी को निकालकर यहाँ पर छिड़काव करवाना पड़ेगा दवाई का, जिससे किसी महामारी के खतरे को टाला जा सके। अभिषेक जी, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।